हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मानशो। टेक पोर्टल की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 6 ऐसी एंड्रॉयड की रूट एप्लीकेशन जो ज़रूर आप लोगों को 2018 में अपने फ़ोन में इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र है और अगर आपका फ़ोन रूटेड है तो ये एप्लीकेशन यूज़ करने के बाद आपको रियली में काफ़ी अच्छा लगेगा, बिकॉज हर एप्लीकेशन का एक अलग तरीके से बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहली एप्लीकेशन हमारी लिस्ट में है वो है मैजेस्ट मैनेजर। ये सुपर एसयू इसमें आपको इंटीग्रेटेड मिलता है। प्रीवियस वर्जन्स के अंदर हमें सुपर एसयू फ्लैश करना पड़ता था अपने डिवाइस का रूट करने के लिए, बट इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अपने फ़ोन में कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर रखी है तो सिर्फ इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप डायरेक्टली अपने फ़ोन को रूट कर पाएंगे। और ये ऑटोमेटिकली इसमें बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है, जैसे डाउनलोड जिप करना चाहते हैं, डायरेक्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। और इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे सुपर एसयू इंटीग्रेटेड मिलता है, मैजेस्ट हाइड हो गया, मॉड्यूल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं एक्सपोज इंस्टॉलर के थ्रू, और डाउनलोड सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारे टन्स ऑफ ट्वीक्स मिलेंगे जो आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और बहुत सारे ट्वीक्स इसके अंदर वाईफाई, हैकिंग, इंटरनेट से रिलेटेड, स्पीड बूस्ट से रिलेटेड और कस्टम यूआई से रिलेटेड जो आप इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। और मैजेस्ट हाइड के अंदर आपको एक ऐसा फीचर मिलेगा जिसमें जैसे जो एप्लीकेशंस, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशंस होती हैं वो रूट ऐप फोन्स के अंदर आप यूज़ नहीं कर सकते, बट इसके अंदर जैसे ही वो एप्लीकेशन आप टिक करेंगे और फ़ोन को रीस्टार्ट करने के बाद आप कोई भी एप्लीकेशन जिसमें रूट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो यूज़ कर पाएंगे। तो जो सेकंड एप्लीकेशन हमारी लिस्ट में आती है वो है सिस्टम ऐप रिमूवर। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप कोई भी सिस्टम एप्लीकेशन या यूज़र एप्लीकेशन इजीली अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर पाएंगे, और ब्लॉकर्स भी आप इजीली इसमें रिमूव कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस उस एप्लीकेशन पर टिक करना है और अनइंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके आप इजीली उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप उसको लेटर रिस्टोर भी करना चाहते हैं तो रिसाइकल बिन के सेक्शन में जाके आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। और इसमें आपको एक और फीचर मिलेगा APK मैनेजर के अंदर, जिसमें आपके फ़ोन में कोई भी APK अगर होगी इंटरनल एक्सटर्नल SD कार्ड में तो वो स्कैन कर लेगा, और इजीली आप इसमें सिलेक्ट करके मल्टीपल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं या उनका बैकअप बनाना चाहते हैं या उनको मूव भी करना चाहते हैं अपने फ़ोन से SD कार्ड में, SD कार्ड से फ़ोन में, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन अगर आप कुछ भी रिमूव या बैकअप बनाना चाहते हैं अपनी APK फाइल्स का। तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारी लिस्ट में आती है वो है टाइटेनियम बैकअप। गाइस, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप किसी भी चीज़ का बैकअप बनाना चाहते हैं अपने फ़ोन के अंदर, जैसे अपने करंट रोम का, करंट कर्नल का, एप्लीकेशंस का, तो इससे बैकअप बहुत इजीली बन जाता है। और अगर आप इसका डेटा भी रिस्टोर करना चाहते हैं तो वो भी इजीली हो जाएगा, और कभी भी आपकी कोई भी एप्लीकेशन अपडेट होगी तो ये ऑटोमेटिकली उसका बैकअप भी अपडेट कर देगा। तो ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। और अगर आप इसका फुल ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जो जिस वीडियो को आप फॉलो करके आप इजीली किसी भी एप्लीकेशन का बैकअप, एप्लीकेशन और डेटा इजीली बना पाएंगे। सो गाइस, ग्रीनिफाई एप्लीकेशन का नाम आपने तो शायद सुना ही होगा, बिकॉज ये वन ऑफ द बेस्ट बैटरी सेविंग एप्लीकेशंस में आता है अगर हम रूटेड डिवाइसेस की बात करते हैं। और इसका बेस्ट एडवांटेज ये है कि आप ये नॉन रूटेड डिवाइसेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। येस, आप ये इजीली प्ले स्टोर पर फ्रीली अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का बेसिकली वर्क क्या है, ये जो भी एप्लीकेशंस आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करते, जैसे UC ब्राउजर हो गया, शेयर इट हो गया या कोई भी फाइल मैनेजर हो गया, तो आप उन एप्लीकेशंस को सिलेक्ट करके बस एक हाइबरनेट बटन पर क्लिक करके आप इजीली उसको फोन स्टॉप कर पाएंगे और वो बैकग्राउंड में नहीं चलेंगे। और ये रियली में वन ऑफ द बेस्ट थिंग है अगर आप रियली में अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ बचाना चाहते हैं। और इसका एक और मेन एडवांटेज क्या है, इसमें आपको सेटिंग्स के अंदर बहुत सारे टन्स ऑफ फीचर्स मिलेंगे जो आप अपने एंड्रॉयड वर्जन के थ्रू ईजिली यूज़ कर पाएंगे, और अगर आप इसके साथ एक्सपोज इंस्टॉलर यूज़ कर लें तो बेस्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे को बार बार इस एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा और फिर एक एक चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसके विजिट सेक्शन में जाके बस एक हाइबरनेट नाउ का एक शॉर्टकट की अपने होम स्क्रीन पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप इजीली बस सिंपल उस बटन पे क्लिक करके जो भी एप्लीकेशन आपने सेट करी थी वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएंगी, और आपको कोई भी बार बार उसको स्टॉप करने के लिए एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना पड़ेगा। सो गाइस, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारी लिस्ट में वो है फ्लैशिफाई। नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इससे आप इजीली कोई भी जिप फाइल फ्लैश करना चाहते हैं, कोई रिकवरी फाइल फ्लैश करना चाहते हैं, तो इसमें आप इजीली कर पाएंगे। इसमें आपको फर्स्ट पेज पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे आप कोई रोम फ्लैश करना चाहते हैं, कोई जिप फाइल, बूट इमेज या रिकवरी इमेज, तो आप इससे इजीली कर पाएंगे। जस्ट सिलेक्ट करिए और ये ऑटोमेटिकली उसको फ्लैश कर देगा किसी भी रिकवरी के थ्रू जो आपने इंस्टॉल कर रखी है। और इसके बैकअप सेक्शन के अंदर आप इजीली अपने करंट कर्नल को या करंट रिकवरी को बैकअप करना चाहते हैं तो आप वो इजीली कर सकते हैं, और वो बाद में आप रिस्टोर भी कर पाएंगे, बिकॉज ये रियली में काफ़ी अच्छा फीचर है। सडनली अगर कोई भी आपने नई रोम इंस्टॉल करने की कोशिश करी हो और वो स्टक हो गई बीच में, तो आप इजीली अपने प्रीवियस बैकअप के थ्रू आप इजीली उसको रिस्टोर कर पाएंगे। और इसके 3 डॉट्स के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे रिबूट टू रिकवरी, टू बूट लोडर और टू नॉर्मल रिबूट, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है इस एप्लीकेशन का। सो गाइस, जो लास्ट एप्लीकेशन हमारी लिस्ट में है वो है कर्नल ऑडिटर।
इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप अपने डिवाइस को अंडरक्लॉक करना चाहते हैं या ओवरक्लॉक करना चाहते हैं, मतलब अगर आप अपने फ़ोन की स्पीड को और बैटरी को एनहेंस करना चाहते हैं, तो आप इससे ईजिली कर पाएंगे। इसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है, जैसे अगर आप इसमें पर्टिकुलर CPU को ट्वीक करना चाहते हैं, GPU को ट्वीक करना चाहते हैं, बैटरी, एंड्रॉफे, इवन रैम को भी अगर आप ट्वीक करना चाहते हैं, तो वो भी इसे ईजिली कर पाएंगे। init.d का भी सपोर्ट है इसके अंदर, रिकवरी से भी आप इसमें बहुत सारे फीचर्स में इसमें अवेलेबल हैं। बस क्या करना है आपको, जो भी आपके कस्टम कर्नल पे सपोर्ट करता होगा, ये वो सारे फीचर्स इसमें ईजिली दिखा देगा। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ट्वीक्स हैं, इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, SD कार्ड की स्पीड। तो ओवरऑल ये एक बेस्ट एप्लीकेशन है अगर आप अपने फ़ोन को कम्प्लीटली ट्वीक करना चाहते हैं और एक अच्छा बैलेंस चाहते हैं अपने बैटरी और परफॉर्मेंस के अंदर। तो दोस्तों, ये कुछ 6 एप्लीकेशंस थी जो आपको ज़रूर अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर यूज़ करनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको सेम ही पसंद आया तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। अब आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।